नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कोलकाता में फ्लाईओवर धराशायी, कई लोग दबे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के उत्तरी भाग में गुरुवार दोपहर एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिर जाने से 10 लोगों की मौत हो गई। यह फ्लाईओवर शहर के काफी भीड़भाड़ वाले इलाके बड़ा बाजार में बन रहा था। यह इलाका कार्यबारी जिले के रूप में विख्यात है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुल के नीचे 150 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं। बताया जाता है कि गणेश टॉकीज के पास विवेकानंद फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य वर्षों से चल रहा था। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, वामपंथी नेता मोहम्मद सलीम ने इस हादसे के लिए राज्य की ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए वाशिंगटन पहुंचे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में शरीक होने के लिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पहुंच गए हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान मोदी राष्ट्रपति बराक ओबामा और अन्य देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सम्मेलन में 56 देशों के नेता एवं प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जो बढ़ते आतंकवाद के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा इंतजाम पर चर्चा करेंगे। यह मोदी की अमेरिका की तीसरी यात्रा है। दूसरी ओर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ हुई मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारत की नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारपूर्ण रवैये की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आज कहा कि परमाणु हथियार और परमाणु सामग्री के जिम्मेदार प्रबंधन में भारत को अति महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सचिन बोले, तब SMS का जमाना नहीं था, अंजलि को लिखता था पत्र। रिकॉर्डों के बेताज बादशाह सचिन तेंदुलकर आधुनिक तकनीक के जबरदस्त मुरीद हैं और उनका मानना है कि आज तकनीक ने जीवन को बहुत बदल दिया है। सचिन ने गुरुवार को प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी स्मार्टफोन के ट्रॉन सीरीज का पहला नोटबुक टीबुक लॉन्च करने के अवसर पर तकनीक के जीवन में बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया या विदेश दौरे पर हुआ करता था, तब मैं और अंजलि एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। तब SMS का जमाना ही नहीं था कि हम एक दूसरे को कोई संदेश दे पाते, हमें पत्रों से ही काम चलाना पड़ता था। सचिन ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने बहुत कुछ बदल दिया है, अब चीजें उंगलियों पर आ गई हैं और आपको किसी भी चीज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। तकनीक हमें अब आगे कहां तक ले जाएगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सचिन से विराट कोहली की तुलना करने से लता मंगेशकर नाराज। फिर कोकिला लता मंगेशकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से विराट कोहली की तुलना से बहुत नाराज हैं। उनकी यह नाराजगी ट्विटर पर दिखाई दी। उन्होंने ट्वीट कर दोनों खिलाड़ियों की तुलना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज न्यूज में क्रिकेट के बारे में बहुत को बताया जा रहा है, यह अच्छी बात है, पर सचिन की तुलना किसी के साथ भी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विराट का भविष्य उज्ज्वल है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सचिन का खेल एक दीर्घ तपस्या है। केरल हाईकोर्ट ने कहा, बाहुबलियों के जरिए वसूली न करें बैंक। केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कर्ज लेने वालों से वसूली के लिए बाहुबलियों की मदद लेना अनैतिक है और यह जनहित के संरक्षण के खिलाफ है। कोझिकोड की एक जासूसी एजेंसी की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति PV सुरेश ने कहा कि ऋण की वसूली के लिए निजी एजेंसियों की मदद लेना कर्जदार को परेशान करना है। जासूसी एजेंसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक द्वारा अपने कमीशन का भुगतान न किए जाने के खिलाफ अदालत में अपील की थी। अदालत ने कहा कि बाहुबलियों के जरिए ऋण की वसूली को हतोत्साहित किए जाना चाहिए और बैंकों को सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के जरिए कर्ज निकालने का प्रयास करना चाहिए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।